रेलवे ट्रैक पर तख़रीबकारी की साजिश नाकाम। खट्टा के करीब जंगशाही रेलवे स्टेशन से बम बरामद। ज़करिया एक्सप्रेस को रोक दिया गया। दीगर ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट हिंदू इंतहा पसंदों से परेशान। आइंदा साल मुल्की नक्शा बदलने के खदशे का इजहार कर दिया। कश्मीर, नागालैंड, आसाम, डोकलाम और छत्तीसगढ़ से तशवीशनाक रिपोर्ट्स ने भारतीय जर्नल्स की परेशानी बढ़ा दी। भारतीय मुसल्ला फौज की कॉन्फ्रेंस में इंडियन एयरफोर्स की मुसलसल नाकामियों पर भी सवाल उठा दिए गए। रोजनामा 92 न्यूज़ की रिपोर्ट में इंकशाफ। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों की तबाहकारियां। शोरान में सैलाबी रैले में फंसे 150 हिंदू यात्रियों को रेस्क्यू ना किया जा सका। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर मदद के लिए रवाना ना हुआ। सूबे में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। इंतजामिया ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। हुकूमत, ज़िले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। सब्जियों, फलों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। ब्रायलर गोश्त 270 रुपए फी किलो से तजावज। टमाटर 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने सरकारी नर्ख नामों को पसे पुश डाल दिया। मुल्क में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 2023 में भी तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। मुल्क में तब्दीली का सफर शुरू है। लुटेरों पर हाथ डाल दिया गया है। लुटेरों को जेल जाना होगा या लूटी रकम वापस करना पड़ेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में शहरी की दलेरी। कार से सिस्टम चोरी करने वाले चोरों पर फायरिंग कर दी। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार हो गया। बसंत की शादी करने वाली दो नौ मुस्लिम बहनें अपने शोहरों के साथ आबाई शहर डहर की पहुंच गईं। नौ मुस्लिम आसिया और शाजिया का सिंध पंजाब बॉर्डर पर अहले खाना की जानिब से इस्तकबाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां बीवी को साथ रहने और इंतजामिया को उनके तहफ्फुज़ का हुक्म दे रखा है। मुसलमान रुकन कांग्रेस के खिलाफ तोहीन आमेज ट्वीट। अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। डेमोक्रेट्स अराकीन का कहना है कि सदर का बयान इंतहाई खतरनाक है, तशद्दुद को फरोग देने के मुतरादिफ है। स्पीकर एवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी का भी सख्त रद्दअमल। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी की रोनमाई आज कराची में होगी। लाहौर में ट्रॉफी को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैमिलीज और बच्चों की वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज के साथ सेल्फीज। कराची कलेक्टर में सेहत के आलमी हफ्ते की मुनासबत से वेटेबल साइकिलिंग मैराथन। 400 से ज्यादा साइकिलिस्ट शरीक हैं। 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल मैराथन में दो कैटेगरीज रखी गई हैं। जीतने वाले साइकिलिस्ट में इनाम तकसीम किए जाएंगे। और कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज की कामयाब टेस्ट फ्लाइट। मेगा जेट ने पहली परवाज मोजावे सहरा से भरी। खबर एजेंसी के मुताबिक दो हैकल तैयारा आम जहाजों जैसी दो बॉडीज और 6 इंजन रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। अहम खबर आपको देंगे कि ठट्ठा में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। जंगशाही रेलवे स्टेशन से मिलने वाले दो बम नाकारा बना दिए गए। सर्चिंग के बाद रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे समर बेग, हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताइएगा सर्चिंग के बाद रेलवे ट्रैक बहाल किया गया है, ट्रेनों की आमदोरफ़्त शुरू हो गई है?
समर बेग से इस मुतालिक अपडेट्स लेंगे। आपको बताएं कि ठट्ठा में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। जंगशाही रेलवे स्टेशन से मिलने वाले दो बम नाकारा बना दिए गए हैं। सर्चिंग के बाद रेलवे ट्रैक बहाल किया गया है। ट्रेन्स की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई है।